जेल से आते ही आजम खान पूरी तरह से पॉलिटिकली एक्टिव हो गए हैं। वो दीगर बात है कि सदन की कार्यवाही में नहीं शामिल हुए, लेकिन उनके मेल मुलाकातों का दौर जारी है और इन सब के बीच चर्चा है एक सीक्रेट मीटिंग की। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। सोमवार की शाम को शिवपाल सिंह यादव और आजम खान की ये सीक्रेट मीटिंग होती है। शिवपाल यादव आजम खान के सरकारी आवास पर पहुंचते हैं, जहां दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक चर्चा होती है। तब कई सवाल उठने लगते हैं कि आखिर इस सीक्रेट मीटिंग का मकसद क्या है, क्या कुछ शिवपाल सिंह मिलकर आजम नया प्लान कर रहे हैं। तो जब शिवपाल यादव से इस पर सवाल पूछा गया तो सुनिए उनका क्या जवाब था। शिवपाल जी, कल आपकी आजम खान के साथ बैठक हुई है, इवनिंग में कुछ उसके बारे में बताएंगे? अब बैठक रोज होगी, क्या कुछ नई रणनीति बनाने की प्लानिंग? चलिए जब समय आएगा तब पता चल जाएगा। व्यवस्था को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। बिल्कुल उठाएंगे। तो शिवपाल यादव ज्यादा बोलने से बचते नजर आए, लेकिन आजम खान इस पर खुलकर बोलते हैं। वो क्या कहते हैं वो भी सुनिए। कल मुलाकात हुई है? नहीं, मेरी उनसे मुलाकात तो पहले भी बहुत बार हुई है, आगे भी बहुत बार होगी, और तन्हा उनसे ही क्यों, मेरी सबसे हो। हाँ, अब तक मैंने अपना पूरा जीवन लाइन खींच कर रखा था, किसी दूसरी कश्ती की तरफ देखा नहीं था। सवार होना तो बहुत दूर की बात है, देखा भी नहीं था, लेकिन अंदाजा ये हुआ कि सलाम दुआ सबसे रहना चाहिए। चाय नाश्ता भी अगर हो तो उसमें भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। जब सब करते हैं चाय नाश्ता, तो मैं नहीं कर सकता। अगर ये अधिकार सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को हासिल है कि वो सबसे मुलाकातें करें, सबसे मिलें, चाय नाश्ता करें, शादी ब्याह में शरीक हों, खुशी गम में शरीक हों, तो मैं भी तो उन्हीं जैसा इंसान हूँ। तो आजम खान कहते हैं कि भाई मैंने एक लाइन खींच रखी थी, किसी भी कश्ती की तरफ नहीं देखा, ना ही उस पर सवार हुआ। ऐसे में सवाल हुआ कि क्या अब आजम ऐसी कोई कश्ती ढूंढ रहे हैं, तो इस पर भी आजम ने अलग सा जवाब दिया। क्या आप दूसरी किसी कश्ती की तरफ देखेंगे? आपने जैसे कहा इससे पहले नहीं देखा, अब देखेंगे? पहले कोई माकूल कश्ती सामने तो आए, अभी तो मेरा जहाज काफी है, अभी तो जहाज काफी। आपसे मुलाकात कर रहे कई बार, ये उनकी मोहब्बत है। आप आएंगे, आपका भी स्वागत है, किसी और दल के आएंगे उनका भी स्वागत है। तो आजम कहते हैं कि जब तक कोई माकूल कश्ती ना मिले, तब तक ये जहाज ही अच्छा है, तो इसके भी कई मायने निकाले जाने लगे। कहा जा रहा है कि इस बयान के जरिए आजम ने अखिलेश यादव को एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया है कि वो दूसरी कश्ती पर कभी भी सवार हो सकते हैं। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि अभी भी आजम गुना भाग कर रहे हैं और अभी वो सपा में ही बने रहना चाहते हैं। वैसे आजम खान लगातार अखिलेश यादव से दूरी भी बनाते दिखाई दे रहे हैं। सदन में जब समाजवादी पार्टी का प्रोटेस्ट था, तो उस दौरान ना तो आजम खान होते हैं ना अब्दुल्ला आजम होते हैं, और सबसे बड़ी बात, शिवपाल और राजभर भी उस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होते हैं, जिसके बाद कई सारे सवाल हैं कि क्या ये अलग तस्वीर बन रही है, क्या वाकई में तीसरे मोर्चे की खवाया, जैसे कहें कि मुलाकातें शिवपाल और आजम के बीच में होती रहती हैं, कहते हैं कि आगे भी होगी, राजभर भी एक अलग पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं और अखिलेश पर सवाल उठाते हैं, प्रोटेस्ट से दूर नजर आते हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है? आपको भी क्या ऐसा लगता है कि आजम खान और शिवपाल यादव मिलकर कोई अलग फ्रंट बनाएंगे जिसमें राजभर उनका साथ देंगे? इस पर अपनी राय जरूर रखिए कमेंट बॉक्स में। तमाम खबरों को देखते जाइए, तफसील से पढ़ते जाइए यूपी तक.in पर।